And welcome to Shrooms IAS. I'm Shivangi Sharma, and here we are, third chapter of our class 12th history, and the name of the chapter is Kinship, Caste and Class. So, देखो जो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना हम उससे ऑलरेडी फेमिलियर है बिकॉज हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में. सो बस यही चीज़ों को आज है ना हम डीपली पढ़ने वाले हैं. सो वट इज़ किनशिप? किनशिप हम बोल सकते हैं फैमिली या फिर रिश्तेदार जो भी हमारे रहते हैं वो किनशिप के अंदर आते हैं, ठीक है. कास्ट क्या होती है? कास्ट जो भी जाति वगैरह हम लोग डिवाइड करके रखे होती है हमारी सोसाइटी में, राइट. हम लोगों को पता है हमारी सोसाइटी में 4 क्लासेस डिवाइडेड है, राइट. वो भी हम डीपली यहाँ पे पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में. फिर आती है क्लास, कैसे क्लास डिवाइडेड है वो भी हमें पता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, अकॉर्डिंग टू देयर कितना उनका रेवेन्यू है या फिर कितना उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग, कितनी उनकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस को भी डिवाइड करा हुआ है हमने, राइट. सो आफ्टर ऑल पूरा अगर मैं आपको बताऊँ सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट द सोशल डिफरेंसेज इन द सोसाइटी, ठीक है. फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, ये सब कुछ जो है हम आज इनइक्वालिटी और जो भी मतलब जो डिवीजन है सोसाइटी में वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो हम ऑफकोर्स इस चीज़ से जो ऑलरेडी फेमिलियर है बिकॉज ये सारी चीज़ें हमने पुरानी क्लासेज में पढ़ी हुई हैं, ठीक है. सो हाँ वही चीज़ें हम डीपली पढ़ने वाले हैं. सो चैप्टर में ऑफकोर्स इंटरेस्ट आ गया होगा आपको ये नाम सुन के, ठीक है. सो चलो जस्ट जंप इनटू द चैप्टर, ठीक है. सो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस चैप्टर में देखो हम ना यहाँ पे भी एक मिनट, अर्ली सोसाइटीज 600 BCE से 600 CE. सो लास्ट चैप्टर में भी हमने यही टाइमलाइन रखी थी, राइट. 600 BCE से 600 CE की यही टाइमलाइन हमें रखी थी. सो लास्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करे थे? लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करे थे बड़े बड़े एम्पायर्स और किंगडम्स, ठीक है. सो वो तो राजा महाराजा हुआ करते थे और जैसे हम लोगों को पता है कि उनके बारे में कोई भी चीज़ पढ़ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्योंकि वो काफ़ी सारे जो है वो हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस वो लोग लिखवाते थे, उनके बारे में जो प्रशस्तीज वगैरह भी लिखी जाती थी. तो ऑफकोर्स उनके बारे में जो है नॉलेज गेन करना वॉज लाइक वेरी इजी, राइट. बट सेम चीज़ अगर हमें नॉर्मल लोगों के लिए करनी है, जो नॉर्मल रेजिडेंट है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि हम ऐसे जनरली लिखते नहीं हैं, राइट. जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग जो है वो कहीं ना कहीं लिखवा सकते हैं, बट जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लो क्लास के लोग हैं वो ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, राइट. फिर भी हमारे हिस्टोरियंस ने इतनी सारी स्टडी करी, ठीक है. हमने लास्ट चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े अभी तक, कि हिस्टोरियंस ने क्या किया क्लास ट्वेल्थ में एंटर होने के बाद. हम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, राइट. सो इन चीज़ों को कैसे स्टडी किया गया? सो इधर एक्सकवेशन का सिस्टम ये, इधर जो पुरानी स्टोरीज़ है ना उनसे हमने कुछ ज़्यादा कंसर्न लिया है. इधर एक्सकवेशन का इतना कुछ हमें चीज़ें नहीं देखने को मिली है, ठीक है. बट इसी टाइमलाइन में जो है हमें जो किंगडम्स के बारे में जो चीज़ें पता चली वो कैसे पता चली? वो हमें एक्सकवेशन की मदद से ही पता चली थी, ठीक है. सो वहाँ से भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सकवेशन से जो सोर्स आए, जो चीज़ें आए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मिनिमलिस्टिक सी चीज़ें हमें मिली थी जिसकी वजह से हमें जो है नॉर्मल लोगों के बारे में भी पता चला था, ठीक है. सो देखो हिस्टोरियंस ने जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे ना उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था कि वो समझ सके कि सोशल बिहेवियर का था क्या था लोगों का, कि और जो सोशल सोसाइटीज़ है उसकी रेंज क्या थी, प्रैक्टिसेस क्या थी, ये सब कुछ जो है वहाँ पे करने के लिए कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे, कुछ ऐसे टेक्स्ट थे जिनका हिस्टोरियंस ने उस टाइम पे यूज़ किया था. और सबसे ज़्यादा जो टेक्स्ट जिस पर आज हम फोकस करने वाले हैं उस टेक्स्ट का नाम है महाभारता. सो महाभारत से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, हमें पता है महाभारत में क्या हुआ था, ठीक है. सो क्योंकि हम मतलब इन चीज़ों से फेमिलियर है ऑलरेडी, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं. सो ये चैप्टर को समझने में इतना कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, ठीक है. सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आप हर चीज़ से फेमिलियर हो, बस वही चीज़ हम थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो महाभारत जो कि एक कोलोसल एपिक है, ठीक है, जो कि आज से लगभग 10,000 वर्सेस मतलब बहुत सारी लाइक अगर हम आज में देखें तो 10,000 से भी ज़्यादा वर्सेस में इसको जो है लिखा गया है, ठीक है. और ऐसा बोला जाता है कि इसको रामायण सॉरी महाभारत को लिखने में लगभग 1,000 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लग गया था, ठीक है. सो महाभारत में क्या है? महाभारत में बेसिकली कैसे दो जो कजन्स का सेट था, राइट, जो कि एक ही मतलब अपने जो उनके फादर और फादर के जो ब्रदर थे उनके बेटों के बीच में कैसा वॉर हुआ था, इतना बड़ा वॉर हुआ था हमें पता है, राइट. जो कौरवास और पांडवास के बीच में लड़ाई हुई थी और पांडवास जीत गए थे, राइट, डैट वॉज महाभारत, राइट, ठीक है. सो ठीक है, लेट्स मूव टू द चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है. देखो अब यहाँ पर
स्कॉलरशिप्स ने एक बहुत ही ज़्यादा जो है एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू करी 1919 में, जिनके लीडर थे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि फेमस जो है वो संस्कृतिस्ट है, संस्कृतिस्ट मतलब जो संस्कृत स्टडी करते हैं, ठीक है, जिनका नाम था V.S. Sukthankar, ठीक है। सो जो V.S. Sukthankar थे उन्होंने एक टास्क लिया और अपने मतलब उनके साथ उनके काफ़ी सारे स्कॉलर्स भी थे टीम पे, ठीक है। उन्होंने एक टास्क लिया और उन्होंने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन बनाने का ठाना, ठीक है, कि हमें क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे किसका, महाभारत का, ठीक है। सो इसमें क्या क्या होता था, इसमें उन्होंने बहुत सारे संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट और टेक्स्ट को उन्होंने पढ़ा, ठीक है। जो उनकी टीम थी उन्होंने बहुत सारे मैनुस्क्रिप्ट को पढ़ा, अल्टीमेटली उन्होंने इतने सारे वर्सेस थे बिकॉज महाभारत के भी राइट अलग अलग जगह पे अगर हम देखें तो अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग जैसे रीजन चेंज होता है, सो ऑफकोर्स स्क्रिप्ट की लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है और उस स्क्रिप्ट को दिखाने का तरीका भी चेंज हो जाता है, राइट। सो जो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको मतलब जो हर एक वर्सेस में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एलिमेंट दिख रहे थे वो उन्होंने क्या किया, उनको एक तरफ कर दिया कि हाँ ये सबसे ज़्यादा जो है ये सबसे ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं कि हाँ ये जो है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ये हर एक रीजन की जो मैनुस्क्रिप्ट है वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसमें जो है महाभारत का को ऐसे ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। सो फिर कश्मीर से लेकर नेपाल से लेकर केरला, तमिलनाडु, ये सारी जगहों पे उन्होंने वेरियस चीज़ों को उन्होंने पढ़ा बार बार, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे अलग अलग रीजन की जो अलग अलग वेरिएशंस में महाभारत को लिखा गया था उन्होंने पढ़ा और एंड में जाके उन्होंने लाइक 3000 pages का एक वो मतलब एक वेरिएशन बनाया, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे फुट नोट्स हैं, ठीक है, और उनका जो मेन टेक्स्ट है, ठीक है। सो और ये बनाने में अराउंड उनको 47 years जो है वो लग गए थे, ठीक है, 30,000 की उन्होंने वो एक मतलब काफ़ी सारी वॉल्यूम्स उन्होंने बनाई। सो उनको ऐसे मतलब मिला के अराउंड 30,000 pages जो है वो होते हैं, ठीक है। सो जब इतने सारी वेरिएशन होती है सो ऑफकोर्स ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे बिकॉज हर एक जगह पे हर एक रीजन में जो है वो लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है और चीज़ों को दिखाने का तरीका भी चेंज हो जाता है, राइट। सो इतने सारे उनको उन्होंने स्टडी करा था, फिर जाके उन्होंने एक क्रिटिकल वर्जन उसका निकाला, विच इज ऑफकोर्स इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वो रहा होगा, राइट। सो यस, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस था ये ऑफकोर्स जो हिस्ट्री थी, सोशल हिस्ट्रीज अर्ली और लेटर की भी, उन्होंने भी ये सारे डायलॉग्स को उन्होंने कंपेयर करा जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, ठीक है। ठीक, अब देखो काफ़ी ऐसे डायलॉग्स थे जिनमें बार बार उन्हें क्वेश्चन भी अराइज होने लग गए और लोगों ने कन्फ्लिक्ट भी जाया था कि हाँ ठीक है ये चीज़ें शायद गलत है बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब लोग समझने लगते हैं तो लोग उन चीज़ों का जो है वो कन्फ्लिक्शन भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो पहले मतलब बेसिकली जो हिस्टोरियंस हैं हम ये समझते थे कि जो संस्कृत है वो शुरू शुरू में देखो हमारी जो प्रोसेस थी कि जो प्राइमरी टेक्स्ट है मतलब हम लोगों का ये मानना था कि जो प्राइमरी टेक्स्ट है सबसे पुरानी वो सिर्फ संस्कृत में ही होगी, बट ऐसा नहीं था और संस्कृत को हमने फेस वैल्यू मानना शुरू कर दिया था, ठीक है। मतलब 19th और 20th century में हिस्टोरियंस को जो भी मिलता था सोशल हिस्ट्री में स्पेशली जो भी इसमें होता था मतलब संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने जो उसको फेस वैल्यू देनी शुरू कर दी थी और ये मानना शुरू कर दिया था कि जो भी चीज़ें उसमें लिखी है वही एक्चुअली प्रैक्टिस की जाती होगी। बट काफ़ी ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने और ट्रेडिशंस को भी पढ़ना शुरू करा जैसे पाली, प्राकृत और तमिल, और ये तीनों भी जो है बहुत ज़्यादा पुराने लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सो उससे हमें पता चला कि जो नॉर्मेटिव संस्कृत है वो अथॉरिटी मतलब उसको अथॉरिटी तो मिली है बट उसके अलावा और भी ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें संस्कृत में लिखी गई है वो उनको काफ़ी जगह पे अथॉरिटी मिली और काफ़ी जगह पे जो है उसको रिजेक्ट भी किया गया और उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाया गया। बट ये बहुत ही ज़्यादा ओकेजनली हुआ करता था, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होता था, ठीक है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर पे हो ऐसा भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा ओकेजनली ये चीज़ होती थी कि उनके खिलाफ किसी ने क्वेश्चन किया हो या उसके खिलाफ किसी ने बात करी हो, ठीक है। सो अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक में जिसका नाम है किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड
प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे नॉर्मल पीपल के बारे में रहने वाले हैं। सो नॉर्मल पीपल हैं हम लोग, शादी भी करते हैं राइट, और हमारी किनशिप भी होती है, यानी कि हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, हमारी फैमिलीज भी होती है। तो उस टाइम पे शादी को लेके कैसे कैसे रूल्स बनाए थे कि कैसे कि कौन कैसे शादी करेगा, कौन किससे शादी नहीं कर सकता है, कैसे शादी होगी, ये सब कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और फैमिलीज के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है उसमें फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। देखो फैमिलीज क्या होती है, फैमिलीज वो लोग हैं जिससे आप मतलब जो कि आपका जिससे आपका ब्लड रिलेट करता है राइट, जो कि आपका ओन ब्लड से जिस पे आप बिलोंग करते हो राइट, जिससे आपका ब्लड रिलेशन होता है राइट, वही आपकी फैमिलीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यो कौन कौन होता है आपके फैमिली में, मैक्सिमम योर फादर मदर, योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर अंकल एंड आंट मैक्सिमम, ठीक है। सो वो सारे जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं राइट, आप उनसे खून का रिश्ता जो हम बोलते हैं खून का रिश्ता उनसे होता है राइट। सो यस फैमिलीज में वैसे अगर हम आज के टाइम पे देखें तो फैमिली कैसी होती है, स्मॉल फैमिलीज होती है, ज़्यादा लोग नहीं होते फैमिली में, ज़्यादा से ज़्यादा द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, यही होता है राइट। सो दैट इज़ योर फैमिली। सो आपके पेरेंट्स से आप जो है आप मतलब आप उनसे आपका ब्लड रिलेशन है राइट, आपका और उनका खून सेम ही है, खून इन द सेंस कि आपका जो ब्लड है वो सेम रिलेशन मतलब उसमें बिलोंग करता है, आप ब्लड रिलेटिव होते हैं आपस में राइट। सो बाकी काफ़ी जगहों पे ऐसी फैमिली है जहाँ पे बहुत, अब देखो फैमिलीज भी सेम नहीं होती राइट, अलग अलग जो घरों पे अलग अलग फैमिलीज हमें देखने को मिलती है। जैसे सपोज़ आपके घर पे सिर्फ चार ही लोग हैं, अगर आप बगल वाले घर पे झांको तो आपको वहाँ पे जो है लार्ज फैमिली देखने को मिलेगी, जहाँ पे उनके पेरेंट्स, उनके अंकल एंड आंट्स, उनकी मतलब काफ़ी सारे लोग जो वो रहते हैं राइट। और अगर आप ऐसे भी हो सकता है, और कहीं कहीं मतलब ऐसा होता है कि अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अलग एक्टिविटीज़ फॉलो करती है, कुछ अलग एक्टिविटीज़ फॉलो करती है राइट। एक पर्टिकुलर जगह पे टेक एन एग्जांपल कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस और यहाँ पे अराउंड फोर फैमिली है, ठीक है, दिस इज़ फोर फैमिलीज। सो ज़रूरी नहीं है कि ये वाली फैमिली जो भी चीज़ें फॉलो करती होगी ये वाली फैमिली भी सेम चीज़ें फॉलो करती होगी, है ना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज है तो अलग अलग चीज़ें ऑफकोर्स वो फॉलो करते होंगे। सो ऑफकोर्स यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि फैमिलीज कैसी होती थी वो फाइंड आउट करना हिस्टोरियंस के लिए एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ जाती थी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे किनशिप्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे ये होता है लाइक रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो फैमिली जो कि लार्जर नेटवर्क का पार्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो अंकल होते हैं या फिर आपकी जो मामा जी होते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ योर मामा जी, ठीक है। सो आपके मामा जी कौन है, आपके मामा जी आपके मदर के ब्रदर है राइट। सो वो आपके मतलब हम बोलते हैं ना कि उनका जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ा लंबा है, बिकॉज आप उनके अपने मदर के थ्रू उनसे कनेक्टेड है। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़े तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती मिलती होगी, जैसे आपकी जो मदर है, टेक एन एग्जाम्पल आपकी मदर है, उनके जो चाचा जी थे, ठीक है, उनके जो बेटे होंगे वो भी आफ्टर ऑल आपके मामा ही होंगे, बट वो कितने घूम फिर के होंगे, ठीक है। सो बहुत ही लंबे लंबे कनेक्शन होते हैं। सो इस चीज़ को बोला जाता है किनफोक, ठीक है, या फिर किनशिप भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं तो आप लोग ब्लड रिलेटिव हो ना कहीं आपका खून तो सेम ही बिलोंग करता है, बट बहुत ही लंबा आप जो है हम बोल सकते हैं कि कनेक्शन जाता है, बिकॉज देखो जैसे टेक एन एग्जाम्पल कि आप हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादाजी थे, आपके दादाजी के दो भाई थे, मतलब आपके दादाजी और उनके एक भाई, ठीक है। सो उनके जो बेटे हैं वो आपके चाचा या ताया होंगे दूर पार के, बट आपका ब्लड तो सेम है, बिकॉज आपके ग्रैंड पेरेंट्स सेम ब्लड जो है वो मतलब सेम ब्लड उनका मतलब ब्लड रिलेटिव वो हुआ करते थे। अब आगे जाके जब हमारी जनरेशन आएगी या फिर आपके जो नीचे वाली जनरेशन आएगी वो भी तो सेम ही ब्लड जो है मतलब उनका ब्लड रिलेटिव तो आप लोग होंगे ही ना, आप रियल फैमिली से एक ही फैमिली से तो बिलोंग करते आ रहे हैं, बट वो है कि जो है वो फैलता चली जाती है चीज़ें राइट। सो इनको ये जो रिश्तेदार होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको हम किनफोक बोलते हैं, ये ब्लड से तो रिलेटेड होते हैं बट कनेक्शन इनका थोड़ा दूर का होता है, ठीक है। इसीलिए काफ़ी ऐसे सोसाइटीज़ है जहाँ पे जो कज़न्स होते हैं उनको ब्लड रिलेशंस माना जाता है और कुछ जगह पे नहीं माना जाता है राइट। सो कुछ जगह पे जो है आपका और आपका जो सिबलिंग है उसी को आपका जो है ब्लड रिलेशन माना जाता है, बाकी जब के कज़न्स होते हैं उनको नहीं माना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी अलग अलग चीज़ें जो है लोग मानते हैं और अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं, ठीक है। सो अब हिस्टोरियंस को, अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हिस्टोरियंस है ना, जो अलाइट फैमिलीज हुआ करती थी, यानी कि जो अमीर फैमिलीज होती थी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाती थी, क्योंकि वो लिखवाया करते थे अपने बारे में चीज़ें हम बोल सकते हैं, बट जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो ऐसे वो इतना सब कुछ नहीं करते राइट। सो उनके बारे में चीज़ें पता करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। सो हिस्टोरियंस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने
जो एटीट्यूड्स थे फैमिली और किनशिप के, उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने उसको भी एनालाइज करा. बिकॉज लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो जानना टफ है. ठीक है, देखो जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब कोई प्रशस्ति लिखा लगता था किसी भी राजा के बारे में, या फिर कोई भी पर्सन जब किसी राजा के बारे में डिस्कस करता था, जैसे हमने पढ़ा कि जो बुद्धिज्म है और जो जैनिज्म है, उधर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट राजा के बारे में वो डिस्कस करते हैं. बट वो राजा उनको कैसे ट्रीट करता था अकॉर्डिंग टू वो जो है वो लिखा करते थे. ठीक है, अब उनके दिल में क्या है या फिर राजा उनसे क्या लिखवाया करता है, ये बात तो हमें नहीं बता रहे. अगर अब उनके दिल में रियलिटी में क्या थी, अब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जो है चीज़ें अलग होती है, लोगों की थिंकिंग जानना अलग होती है. ठीक है, सो अब लोगों की क्या थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग उनके एक्शन होंगे, जिसकी वजह से जो है एटीट्यूड में भी थोड़ा ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है. ठीक है, अब आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी. ठीक है, पैट्रिलिनी. सो पैट्रिलिनी क्या होता है? पैट्रिलिनी का मतलब होता है कि जो डिसेंडेंट होगी वो बेटे से बाप को बाप से बेटे को जाएगी. जैसे दादाजी की जो जायदाद, दादा तो बोल सकते हैं, फिर जो भी उनका ट्रेजरी या फिर जो भी उनके पास है वो आगे आपके फादर के पास आएगा, फिर वो आगे आपके पास आएगा, फिर आगे आप अपने बच्चों को दोगे, फिर वो आपके ग्रैंडसन में जाएगा. ये फादर का वो होता है. बट ये फादर टू सन होता है, डॉटर नहीं, फादर टू सन. मतलब बेटा फादर है, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, उनका बेटा, ऐसे 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 करके जो है वो चलती रहती है. ठीक है, जैसे देखो महाभारत में ना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक स्टोरी है जहाँ पे बताते हैं कि दो ग्रुप्स होता है कजन्स का, कजन्स ही होते हैं वो लोग. कौन? कौरवास और पांडवास, ये चाचा और तारा के जो रिश्तेदार होते हैं, राइट. सो इनके जो फादर है वो सेम, उनका सेम ब्लड हुआ करते थे, वो दोनों सिबलिंग हुआ करते थे. ठीक है, इन दोनों के कौरवास और पांडवास के फादर. ठीक है, सो जो कि रूलिंग फैमिली कुरु से बिलोंग किया करते थे. ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग जनपदा था. ठीक है, महाजनपदा और जनपदा भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, सो जब वहाँ पे पैट्रिलिनी एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, सो उस टाइम पे जब एपिक को वो किया गया, तब जो महाभारत हुई इसीलिए थी क्योंकि अब तख्त पे कौन बैठेगा बिकॉज ऑफ देयर मतलब पैटर्नलिटी के अंदर, पैटर्नलिटी जो पैट्रिलिनी होती है उसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो उनके फादर के डेथ होने के बाद उनके बेटे को चली जाती है बेसिकली. ठीक है, सो पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी हम लोगों को पता है मैट्रिलिनी में क्या होता है कि बस जो मदर का है वो बेटों में जाता है और ऐसे फादर टू सन होता है. ठीक है, सो जो रूलिंग डायनेस्टी थी 6th सेंचुरी से ही शुरू हो गई थी. ठीक है, और उन्होंने यही सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया था पैट्रिलिनी का. जैसे हमें पता है कि जो राजा वगैरह तख्त में होते थे उसके बाद कौन आता था? उसके बाद उनका बेटा ही तख्त में बैठता था. कहीं कभार जब बेटा नहीं होता था तब जो है उनके उनके ब्रदर जो है वो तख्त पर बैठा करते थे और उनके पास सारी जो है वो मतलब चीज़ें आया करती थी. राइट, कुछ टाइम ऐसे होते थे जो अगर मान लो ब्रदर भी नहीं है तो किन्समैन आया करते थे. ठीक है, मतलब उनके जो है वो रिश्तेदार या फिर उनके कजन्स जो है वो आके तख्त में बैठा करते थे. बट बेटी और वुमेन का जो है ऐसा कहीं भी नहीं होता था. एक एक्सेप्शन है हमारे पास, प्रभुवती गुप्ता. सर प्रभुवती गुप्ता के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट. जो कि एक ऐसी हम बोल सकते हैं वुमेन है जिनके पास पावर थी, और ऐसे में बहुत ही कम ऐसी ऑप्शन मिलती है कि और वुमेन हो जिनके पास पावर हो. ठीक है, सो प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन थी. ठीक है, सो ये याद रखना है, इनका नाम इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो जो भी ये रूलिंग फैमिलीज के बारे में चीज़ें लिखी जाती थी या फिर जो भी एविडेंट लिखा जाता था ना, ये सारी रिचुअल और जो भी मंत्रा से ये ऋग्वेदा में ऑलरेडी मैंशन किए हुए थे कि ऋग्वेदा बताता था ये सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. बाद में अब वेल्दी मैन के पास क्या क्या और कितना हाई स्टेटस होना चाहिए ये सब कुछ भी जो है उसी में लिखा जाता था, और ब्राह्मण्स के बारे में भी वहाँ पे लिखा गया था. ठीक है, सो रूल्स ऑफ मैरिज. अब शादी कैसी होगी उसके लिए क्या रूल्स है? ठीक है, बेसिक रूल्स इसमें हुआ करते थे, इतने कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं होते थे, जो कि आप अवेयर भी होंगे आई थिंक. ठीक है, जो कि अभी भी कहीं कहीं जो है वो होते हैं, कहीं कहीं तो नहीं होते हैं. ठीक है, देखो पैटर्न लिनेज के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? सन. क्योंकि अगर चीज़ें किसको जाएगी? चीज़ें तो सन्स को जाएगी. अगर सन्स नहीं है तो आप क्या करोगे? ठीक है, सो सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब देखो डॉटर भी है बट डॉटर के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क रखा गया था. ठीक है, डॉटर के लिए क्या क्या काम होता है और एक डॉटर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक डॉटर के लिए आपके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट. ठीक है, एक तो जो डॉटर है उनके पास कोई भी ये मतलब कोई भी क्लेम नहीं था. ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्सेज है हाउस होल्ड का उनके पास कोई भी क्लेम नहीं था. ठीक है, और सेम टाइम उनको
जो शादी का उनका होता था कि उनको मैरिज जो करवाई जाएगी वो उनके किन से बिल्कुल ही ज़्यादा बाहर करवाई जाएगी, यानी कि उनकी फैमिली उनकी जो रिश्तेदारी है उससे भी बिल्कुल ज़्यादा बाहर करवाई जाएगी। और इस सिस्टम को एक्जोगेमी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एक्जोगेमी, ठीक है। सो उनका जो यूनिट है उसके भी बाहर जाके जो है उनको शादी करवाई जाती थी, ठीक है। सो दैट इज़ एक्जोगेमी, ठीक है। सो अब जो यंग वुमेंस, यंग गर्ल्स और वुमेंस थी फैमिलीज में, उनका उनका हाई स्टेटस लाइक नहीं दिया जाता था, और उनका जो मतलब चीज़ें हैं वो यहीं रेगुलेटेड थी। और उन लोगों का ये मानना था, फादर का बेसिकली ये मानना था कि फादर को राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ जो है वो एक लड़की की शादी करवा देनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे कन्यादान का जो है वो कॉन्सेप्ट बढ़ना शुरू हो गया था। कन्यादान क्या होता है? कन्यादान में हम एक कन्या का, एक लड़की का दान करते हैं, ठीक है। गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, ठीक है। मतलब शादी में आप जब आप शादी करवाते हो अपनी बेटी की किसी के साथ, तो आप अपनी बेटी को एज अ दान दे रहे होते हो, एज अ गिफ्ट दे रहे होते हो, ठीक है। और ये जो है फादर की एक रिलीजियस ड्यूटी मानी जाती थी कि हाँ, एक फादर को जो है वो अगर उनकी डॉटर है तो उसका कन्यादान उनको ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है। और आपने सुना भी होगा आज के टाइम पे कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, नॉन राइट। यस, ये चीज़ें तब से ही चलने लग गई थी, ठीक है। ये आज तक का नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। आजकल तो चलो काफ़ी लड़कियां हैं जो कि शादी नहीं करती हैं, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ जो है वो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। अब नए टाउन्स भी एमर्ज हो रहे थे, ठीक है। सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी, ठीक है। हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा कि हाँ, टाउन्स जो है वो बढ़ रहे थे, ठीक है। अब जब लोग, जब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, अब लोग चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, उस टाइम पे लोगों ने इसके खिलाफ भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, राइट। और जब ऐसा चैलेंज उनको फेस करना पड़ा, तब ब्राह्मण्स ने रिस्पॉन्ड करा और उन्होंने बोला कि ये जो भी चीज़ें हैं इनकी, मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग भी करेंगे और जो सोसाइटी में जनरली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने तब एक, हम बोल सकते हैं, एक टेक्स्ट बनाया जिसको धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र बोला जाता था, ठीक है। उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है मनुस्मृति, जो कि कंपाइल किया गया था 200 BCE से 200 CE के बीच में, ठीक है। जो ब्राह्मण अथॉरिटी थी ना, वो क्या करती थी, उन्होंने ना एक नॉर्म्स ही बना दिया था जिसमें सारे रूल्स हुआ करते थे। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, इसको इसके ना यूनिवर्सल वैलिडिटी बोल दिया गया कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी कास्ट का पर्सन, किसी भी जगह का पर्सन, किसी भी धर्म का पर्सन जो है वो फॉलो कर सकता है, ठीक है, और फॉलो करना भी चाहिए, ठीक है। बट जैसे हम लोगों को पता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अब कम्युनिकेशन में ऑफकोर्स जो है डिफ़िकल्टीज आने लग गई थी। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें काफ़ी लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी और वो इन चीज़ों को फॉलो भी नहीं कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ, ठीक है। वैसे ही जो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस है वो कहीं कहीं फैल रहा था, कहीं कहीं जो है वो नहीं फैल रहा था, ठीक है। अब ब्रह्मसूत्रा में शादी को लेके जो है 8 फॉर्म बताई गई थी, 8 तरीके बताए गए थे कि क्या क्या किस तरीके से शादी होनी चाहिए, जिसमें से सिर्फ जो टॉप की 4 हैं उन्हीं को ही अच्छा कंसिडर किया गया था, बाकियों को कंडेमेंट कर दिया गया था, यानी कि बाकियों को हटा दिया गया था, ठीक है। अब जो लोग इन ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे और जिनको ये ब्राह्मणिकल नॉर्म्स पसंद नहीं थे, वो हो सकता है कि वो बाकी के 4 को भी फॉलो करते हों, ठीक है। अब आता है द गोत्र ऑफ द वुमेन। वैसे हम लोग अवेयर होंगे, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि गोत्र क्या होता है बेसिकली। देखो हर एक गोत्र एक वैदिक सीर के आफ्टर जो है नाम दिया जाता है, ठीक है। मतलब 1000 BCE आते आते लोगों को गोत्र के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो हर एक सीर के अकॉर्डिंग जो है गोत्र का नाम हुआ करता था, ठीक है। उनके डिसेंडेंट के अकॉर्डिंग ही जो है उनके गोत्र का नाम दिया जाता था, ठीक है। 2 ऐसे रूलर थे जिनके गोत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो, जब शादी हो जाती थी तो होता क्या था कि वुमेन्स को अपने फादर का गोत्र वो गिव अप करके अपने पति का गोत्र जो है वो अडॉप्ट कर लेती थी शादी के बाद, ठीक है। मतलब ये मानना था, ये भी धर्मसूत्र में लिखा गया था, कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने फादर का गोत्र छोड़ देती है और अपने पति का गोत्र अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। अब उस टाइम पे जो लोगों के नाम है वो भी उनके गोत्र के अकॉर्डिंग जो है वो लिखना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया था कि हाँ ये गोत्र है, तो अकॉर्डिंग गोत्र के अकॉर्डिंग लोगों ने भी नाम रखना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब
सातवाहना, सतवाहना उसके बारे में जिन्होंने हमने हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट। सो वो जो कि काफ़ी पावरफुल जो है वो रूलिंग लीडेज बन करके आई थी, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में जो है वो रूल किया था, ठीक है। सो काफ़ी ऐसे इंस्क्रिप्शन हमें मिले जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो फैमिली टाइज है, फिर चाहे उसमें शादी हो, ठीक है। सो जो सतवाहना है वो ना पॉलीगिनस यूज़ किया कर, पॉलीगिनस जो है उसमें वो एक शादी का तरीका ही हम बोल सकते हैं, जिसमें एक पर्सन एक से भी ज़्यादा जो है वो वाइफ रख सकता था, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जो हिस्टोरी, ये जो सतवाहनास थे वो कहीं ना कहीं जो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि ये लोग फॉलो किया करते थे, धर्मसूत्र में लिखी गई, और काफ़ी चीज़ों को फॉलो ये नहीं भी किया करते थे, ठीक है। सो वही अभी हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो वुमेंस का मतलब लोगों का नाम अकॉर्डिंग टू तेरे उनका जो गोत्र है उसके अकॉर्डिंग लोगों का नाम रखना जो है वो शुरू कर दिया गया था, ठीक है। सो सातवाहना जो है वो पॉलीगिनस हुआ करते थे, मतलब वो एक से ज़्यादा वाइफ जो है वो रख सकते थे, ठीक है। सो अब देखो एक एग्जामिनेशन है, मतलब जो भी जिन वुमेन ने सतवाहना रूलर्स में शादी किया गया उनका नाम उनके गोत्र के अकॉर्डिंग था, जैसे गौतमा और वशिष्ठा, ठीक है। सो अब उनके जो फादर है वो गोत्रा से या वशिष्ठ से हुआ करते होंगे, सो डैट इज़ वाई उनका नाम गौतमा और वशिष्ठा रखा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारे पास एक और एक्सेप्शन है कि जो सतवाहना है ना वो कहीं ना कहीं इनके जो इन ब्राह्मण्स ने ये जो धर्म सूत्रास निकाले थे ना उनको कहीं ना कहीं ये लोग फॉलो नहीं किया करते थे। इसका हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो जिन लड़कियों की इनकी यहाँ पे शादी होती थी, जो इनकी यहाँ बहू बन के आती थी, वो अपने पति का हस्बैंड, अपने जो पति का गोत्र है वो ड्रेव नहीं करती थी, वो अपने पति का, उनके जो फादर है उनका गोत्र ही अपने पास रखा करती थी, ठीक है। जो कि ब्राह्मण के रूल्स में गलत लिखा गया था, बट वो जो है ऐसा नहीं करती थी, ठीक है। वो जो है अपना गोत्र ही अपने पास रखा करती थी, ठीक है। सो अब देखो एक्सोगेमी का जो सिचुएशन है वो यहाँ पर भी कहीं कहीं होता था, कहीं कहीं नहीं होता था, मतलब मैक्सिमम हम बोले तो मतलब एक्सोगेमी नहीं होता था। सो एक्सोगेमी मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, एक्सोगेमी का मतलब जब आप अपने फैमिली से बाहर जो है वो शादी करते हो, ठीक है। सो एक्सोगेमी यहाँ पर कहीं कहीं हुआ करता था, कहीं कहीं मतलब हम देखें तो वैसे ना बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम ऐसा होता था कि एक्सोगेमी हो। सो इसकी वजह से इनका जो मतलब हम बोलते हैं ना एक जो ग्रुप था, यानी कि जैसे दूर पार के इनको रिश्तेदार नहीं थे, इतना फैला हुआ इनका जो रिश्तेदारी नहीं थी, जो था वो अंदर अंदर ही था, ठीक है। इनके फैमिली के अंदर अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे थी, ठीक है। इतना कुछ लंबा जो है वो उन्होंने नहीं रखा था सब कुछ, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वर मदर्स इम्पॉर्टेंट, क्या माएँ क्या वुमेंस वो इम्पॉर्टेंट थी। सो देखो जो सातवाहना रूलर्स है ना, इधर सातवाहनास को सबसे ज़्यादा लिखा गया है, बिकॉज सातवाहना जो है वो एक एक्सेप्शन हुआ करते थे इन चीज़ों के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो वो फॉलो नहीं किया करते थे, जो उनको गलत लगा करती थी और वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया करते थे, ठीक है, विच वॉज क्वाइट राइट ऑल्सो। सो सातवाहना रूलर्स जो थे ना वो मेट्रोनिमिक्स होते थे, मतलब उनके जो नाम होते थे ना वो उनके मदर के नाम पे मतलब आगे जो है वो दिए ही जाते थे। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो है उनके मतलब काफ़ी बच्चों के नाम उनके मदर के अकॉर्डिंग रखा जाता था पुराने टाइम पे, आज के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें कम ही है, मतलब नहीं होती है। सो उस टाइम पे तो ये चीज़ें हुआ करती थी, जैसे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑल्दो ये तो हमें पता चल गया कि मदर्स इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल एक कंक्लूजन में आने के लिए हमें थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज जो सातवाहना है ना वो, बट देखो जो सातवाहना है उधर पे वुमेंस का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो अपनी मदर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे, उनका रोल भी इंपॉर्टेंट था, बट उनका जो थ्रोन का सक्सेशन था वो पैटरलिनियल ही था, मतलब उनके फादर के बाद जो है वो बेटा ही थ्रोन पे बैठेगा, ये उनका मानना था, ठीक है। सो सोशल डिफरेंसेस विद इन बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, मतलब अब कास्ट और कास्ट के अलावा भी क्या क्या जो है वो सोशल डिफरेंसेस थे, अब वो हम टॉपिक नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो जो सोशल कैटेगरीज थे ना वो हायरार्की ऑर्डर्स में थे। हायरार्की ऑर्डर क्या होता है, जैसे सपोज एक मिनट, हायरार्की
में हायरार्की में बेसिकली लेवल्स होते हैं, ठीक है। और जो टॉप लेवल है वो सबसे ज़्यादा टॉप होगा ऑफ कोर्स, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, दिस इज़ हायरार्की, ठीक है। सो जो हायरार्की वहाँ पे शो होती थी, वहाँ पे सोशल कैटेगरी थी, बिकॉज जो धर्म सूत्र है वहीं पर जो है ये सारी चीज़ें मैंशन करी गई थी, ठीक है। जहाँ पे ब्राह्मण ने ये ऑर्डर बनाया था और ख़ुद को उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट रैंक करा हुआ था, उसके बाद नीचे आते आते फिर वो जो है शूद्रस तक उनके उन्होंने क्लासिफाई करा था, और अनटचेबल्स तक उन्होंने वो जो सबसे सोशल सोशल ऑर्डर के सबसे बॉटम में वो लोग हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो पोजीशंस है ये बर्थ के साथ ही आया करती थी, ठीक है। अब ये ना किस बेसिस पे बनाए थे, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो चार हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम चल होता है, विच इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या एंड शूद्र। तो ये जो चार क्लासिफिकेशन ही किस बेसिस पे किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जो धर्म सूत्र और जो धर्म शास्त्र है, मतलब एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। ये चार कैटेगरी या वर्ण में हम लोगों को डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे वो ना ऑक्यूपेशन पे, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड था कि लोग कि कौन क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको वर्ण में डिवाइड किया गया था, ठीक है। जो ब्राह्मण्स थे उनका काम था कि वो वेदास को पढ़ाए, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे और करवाए भी, साथ साथ में गिफ्ट रिसीव भी करे और गिफ्ट दे, ठीक है। जो क्षत्रिय थे उनका काम था कि वो लड़ाई लड़े, लोगों को बचाए, ठीक है, जस्टिस एडमिनिस्टर करे और वेदास को पढ़े, ठीक है, साथ साथ में सेक्रीफाइस करे और गिफ्ट दे। फिर जो लास्ट थ्री ऑक्यूपेशन थे वो आया करते थे वैश्यास के अंदर, ठीक है, और फिर आते थे हमारे शूद्रास, ठीक है। शूद्रास का जो काम था वो काम था कि पहले के जो तीन वर्ण हैं, पहले के जो तीन वर्ण हैं उनको सर्व करने का, ठीक है। अब ब्राह्मण्स में दो और तीन स्ट्रेटजी उन्होंने, मतलब अब ये सारी चीज़ें इतनी बड़े डाइवर्स सोसाइटी में ये लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते, सो उन्होंने उसके लिए दो तीन स्ट्रेटजीज यूज़ करी, ठीक है। पहले तो उन्होंने ये चीज़ बोली गई, उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो वर्ण है ना वो डिवाइन ओरिजिन है, मतलब ये ना भगवान ने बनाई है वर्ण वगैरह, और ये सब कुछ तुम लोग वो करो नहीं, जो आगे जाके तुम्हें दंड वगैरह मिलेगा, जो भी चीज़ ये लोग बोला करते थे। सेकंड, वो किंग को बोला करते थे कि तुम भी ये चीज़ करो और बाकियों से भी ये चीज़ करवाओ, ठीक है, तुम्हारे नॉर्म्स फॉलो करवाओ पूरे किंगडम में। तीसरा, वो बोलते हैं कि तुम्हारा बर्थ कहाँ पर होता है ना, तभी तुम्हारी जो चीज़ें हैं, तुमने क्या करना है आगे जाके, वो तुम्हारा डिसाइड हो जाता है उसी टाइम, जिस टाइम तुम जिस जगह पे, जिस फैमिली पे बॉर्न होते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैट, ये उन लोगों का मानना था, ठीक है। फिर अब जब ये सारी चीज़ें ये बोल रहे तो ऑफकोर्स ये ईजी तो नहीं होगा, काफ़ी लोगों ने मतलब उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी उन्होंने महाभारत और अलग अलग टेक्स्ट की उन्होंने कहानियाँ भी सुनाई थी उस टाइम पे, कि उस टाइम पे भी होता था वगैरह वगैरह, ठीक है। अब नॉन क्षत्रिय के, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि क्षत्रिय का काम ये था लड़ाई वगैरह लड़ना, लोगों को बचाना, और किंग्स भी जो है वो क्षत्रिय ही हुआ करते थे, ठीक है। बट कुछ ऐसी जो है हमें देखने को मिलते हैं जो कि किंग्स नहीं थे, और ऐसा माना जाता है जो सोशल बैकग्राउंड था ना मौर्यास का, मौर्यास जो कि इतना लार्ज एम्पायर है, उनके बारे में भी जो है मतलब डिबेट तो होती रहती है, ठीक है, लोग जो अलग अलग अपन अपने पर्सपेक्टिव जो है वो रखते रहते हैं, ठीक है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो बोलते हैं कि जो जो मौर्यन एम्पायर है वो क्षत्रिय ही थे, बट जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो इनको लो ओरिजिन का डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर जो शुंगास और जो कन्वास थे वो मौर्य के बाद सीधा आए वो लोग, और उन्होंने अपना राज्य बनाया, बट वो तो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो भी क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर है वो ऐसा होता था कि अकॉर्डिंग टू मतलब ऐसे डिपेंडेंट ऑफ बर्थ तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, अब लोगों की पावर क्या थी, लोगों की पावर के अकॉर्डिंग चीज़ें अब होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद जो शकास आए, जिन्होंने सेंट्रल एशिया से वो आए, उनको ना मलेच्छा बोला जाता था। उनको मलेच्छा क्यों बोला जाता था, मलेच्छा बारबेरियन या आउटसाइडर्स उनको बोला जाता था, ठीक है, उनको इसीलिए बोला जाता था बिकॉज वो उन्होंने ना सुदर्शन लेक को फिर से बनाया उनमें से एक, बिकॉज देखो ये ना ये नहीं हुआ करते थे खत्री मतलब क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, ठीक है। हाउएवर जो पुराने इंस्क्रिप्शन है उनमें से एक वो रुद्रामन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि एक शाका रूलर्स थे, ठीक है, जिन्होंने सुदर्शन लेक को फिर से उन्होंने रिबिल्ड करा था, और इनको बहुत ही पावरफुल जो मलेच्छा बोला जाता था संस्कृत ट्रेडिशन के अंदर, ठीक है। फिर
अगर हम सतवाहन डायनेस्टी की बात करें तो वहाँ पे एक रूलर है जिनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकानी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी रूलर्स और काफ़ी लोगों का नाम उनके मदर के नाम पे बेसिस पे हुआ करता था, वैसे एक नाम है श्री सतकानी, एक राजा है श्री सतकानी जिनका नाम उनकी मदर के नाम पे यानी कि गौतमी पुत्र श्री सतकानी इनके नाम हुआ करता था। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक, इनको ब्राह्मण क्लेम किया जाता था बिकॉज ऐसा बोला जाता था कि इनकी कहीं ना कहीं ये कैसे ब्राह्मण थे और कहीं ना कहीं इनमें जो प्राइड है वो क्षत्रिय का जो है वो प्राइड हुआ करता था। ठीक है, और ये एक चीज़ उन्होंने श्योर करी कि इनका जो राज है, इनका जो एम्पायर है उसके अंडर इंटर मैरिज ना हो, मतलब इंटर कास्ट मैरिज ना हो, चार वर्ण के अंदर जो है चार वर्ण में इंटर मैरिजेस नहीं होगी, ये चीज़ है वो इंश्योर करते थे। और ये उनका मेन मानना था कि उनकी जो मतलब उनके रूल के अंदर जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण से ही शादी करेंगे, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय से ही शादी करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी लो कास्ट का जो है वो अपर कास्ट के उससे शादी नहीं कर सकता, ये उनका मानना था। ठीक है, फिर सतवाहना है वो जो सतवाहना थे वो खुद को ब्राह्मण्स क्लेम करते थे कि वो लोग ब्राह्मण हैं, बट अब देखो ब्राह्मण्स भी है तो ब्राह्मण्स का काम किंग का काम तो नहीं होता था, किंग जो है वो क्षत्रिय हुआ करते थे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब एंडोगी में भी हमें देखने को मिली, कहीं एक्सिजनम सिस्टम भी देखने को मिला ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर। जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, देखो अब जिन भी लोगों को इनमें फिट नहीं कर पाते थे हम लोग मतलब जो ब्राह्मण हुआ करते थे, मतलब देखो चार उन्होंने कास्ट डिवाइड कर दी, चार कास्ट के उन्होंने चारों के नाम काम बता दी कि हाँ ये पर्सन ये करेगा ये 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 ये। अब कुछ ऐसे लोग थे जो इन चार वादीज के अंदर, चार जो जाति से इनके अंदर फिट नहीं हो पाते थे, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो लोग फॉरेस्ट में रहते वो इन चारों के अंदर तो कहीं आ ही नहीं सकते, राइट। फिर उसमें से जो स्वर्णकार होते हैं, ठीक है, मतलब जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो भी इनके अंदर कहीं फिट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, सो ऐसे लोगों को डिफरेंट जातीज और डिफरेंट 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 श्रेणीज में उनको डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, सो अब यहाँ भी कहीं कहीं जो है एक्सेप्शन थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस। ठीक है, सो ऐसा एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है 5th century का जो कि मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ पर मिला था, जहाँ पर जो गिल्ड वीवर्स है, ठीक है, उनका अलग ही उनका सिल्क वीवर्स का अलग गिल्ड बना हुआ था, और जो कि लता में रहते थे जो कि गुजरात में है। ठीक है, जहाँ से फिर वो मैंडेसर की तरफ वो लोग माइग्रेट कर गए बिकॉज उन्होंने जो दशापुर है उनके बारे में उन्होंने सुना, ठीक है, वहाँ के वो राजा थे उनके बारे में उन्होंने बहुत चीज़ें सुनी और उनको लगा कि वहाँ अगर वो जाएंगे तो वहाँ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए जो है वो ऐसे उन्होंने जो है वो डिफरेंट किंगडम के पास वो सेटल हो गए थे। ठीक है, जो सोशल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें थी जहाँ पे वो श्रेणीज को भी उनका नेचर उन्होंने दिखाया। ठीक है, साथ में जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने और ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करा, काफ़ी लोग अलग चीज़ें बता रहे थे। ठीक है, सो फिर अब लोगों की जो सोचते, अब देखो यहाँ पे जब चार इसमें लोगों को डिवाइड कर दिया गया, सो उन चार लोगों की ना जो अब देखो जो सबसे ज़्यादा ऊंचा कास्ट कैप होगा उसके पास पैसा भी सबसे ज़्यादा होगा, सो उसके साथ भी पैसे से अगर हम वो करें तब भी लोगों को डिवाइड किया गया। ठीक है, अब इन चार वर्णों के आगे क्या था, इन चार वर्णों के बाद क्या था। ठीक है, देखो ऐसी काफ़ी जगह थी जो कि इन ब्राह्मणिकल आइडिया से जो है वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं थी। ठीक है, जब वो संस्कृत टेक्स्ट को फिगर आउट करते तो उन्हें लगता था कि हाँ ये चीज़ गलत है। ठीक है, और ब्राह्मण्स को ऐसा लगता था कि जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है वो ऑड है, वो गलत है, वो अनसिविलाइज्ड है, और वो कभी कभी उनको जानवरों से भी कंपेयर करा गया था। जैसे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, देखो जो फॉरेस्ट ड्वेलर हुआ करते जो लोग फॉरेस्ट पे रहते हैं उनका ऑफकोर्स उनका रहन सहन का सिस्टम अलग था और वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया करते थे, सो इनको ऑड बोल दिया गया, इनको जो है इनको एनिमल से जो है वो उन्होंने डिवाइड कंपेयर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने फिर कुछ ऐसी अगर हम एक बात करें तो एक एक ट्राइब एक क्लास है निषादा, ठीक है, जहाँ से एकलव्य बिलोंग करते थे। ठीक है, एकलव्य हम सभी को पता है कौन थे एकलव्य, राइट। सो एकलव्य ने भी वो भी फॉरेस्ट वाले इलाके से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, सो ये फॉरेस्ट की कैटेगरी है, सो डेट इज़ वाई वो भी उनको
वो उनको जो है वो नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, इनको अलग रखा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो नोमैडिक पेस्टरलिस्ट है उनको भी ऐसे अलग अलग सेटल एग्रीकल्चर के फ्रेमवर्क के लिए उनको गलत बोला जाता था, और जो लोग नॉन संस्कृत हुआ करते थे, जो लोग संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोला करते थे, उनको भी जो है ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। उनको भी ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब उनको भी मेलचास और वो मेलचा उनको बोला जाता था। ऐसे काफ़ी सारे एविडेंट जो है महाभारत की स्टोरीज में भी हमें देखने को मिलते हैं कि लोगों को जो है वो ढंग से ट्रीट, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। अब देखो ये जो चार वर्ण थे ना, यहाँ पे अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको अनटचेबल कंसीडर किया था, इनको अनटचेबल इसीलिए कंसीडर किया गया था, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको प्योर कंसीडर किया गया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब बहुत ही ज़्यादा शार्प कॉन्ट्रास्ट आ गया था, और जो अनटचेबल लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अलग रखा जाता था, और उनको मतलब ऐसा माना जाता था कि वो अगर किसी को टच कर ले वो भी पल्यूट हो जाएगा, इनको पल्यूटिंग माना जाता था, क्योंकि इनके काम ऐसे हुआ करते थे। इनके काम ये होते थे कि जो भी डेड बॉडी है, फिर जो एनिमल मर गया है, उन सबको ये लोग उठा के इन सभी को हैंडल करते थे, और इनको जो ऐसे टास्क परफॉर्म करता था उनको उस टाइम पे चांडालास बोला जाता था, ठीक है, कि ये चांडाल है, ठीक है, सुना भी होगा। और इनको हायरार्की के सबसे नीचे बॉटम में इनको प्लेस दी गई थी, और लोगों का ये भी मानना था कि अगर कोई अपर कास्ट का पर्सन इनको छू लेता है, इनसे टच हो जाता है, तो वो भी इम्प्योर हो जाएगा, वो भी पल्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो मनुस्मृति है उसमें जो चांडालास है उनकी ड्यूटीज़ लिखाई गई थी, जिसमें वो जो कपड़े पहनते हैं, जो बर्तन यूज़ करते हैं, वो सब मतलब जो वो बर्तन यूज़ करते हैं वो डिस्कार्डेड हुआ करते हैं, ठीक है, और वो विलेजेस के बाहर रहेंगे, वो विलेजेस में नहीं रहेंगे, और जो वो कपड़े पहनते हैं वो मुर्दा लोगों के कपड़े थे, और जो ऑर्नामेंट ये पहनते थे ये आयरन के ही होते थे, ठीक है। सो और रात होते ही वो विलेजेस और सिटीज़ में नहीं रह सकते थे। इनका काम होता था कि जो भी बॉडीज़ है, फिर जैसे जो जैसे जिन लोगों की डेथ हो जाती थी और उनके कोई भी रिलेटिव्स नहीं होते थे, उनकी बॉडी हो गई, और जिन लोगों को उनको एग्जीक्यूशन दी जाती थी, मतलब जिन लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी, उन लोगों की बॉडी को भी ये लोग जो है वो संभाला करते थे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे बाद में कुछ ऐसे मॉन्क आए जिनका नाम था एक दो मॉन्क आए, और एक का नाम था फाजियान, ठीक है। सो उन्होंने स्टडी करा, और उन्होंने ये चीज़ लिखी, उन्होंने बताया कि जो अनटचेबल्स है उनको ना एक क्लैपर लेके चलना होता था, जिससे आवाज़ आती रहे, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये लोग आ रहे हैं, और वो लोग स्ट्रीट वगैरह खाली कर दे, और मतलब कई कई जगह पे उनको देखना भी लोग जब वो अवॉइड किया करते थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे दिखी गई। फिर एक और चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था जुआन जांग, ठीक है। सो उन्होंने भी दिखाया कि कैसे जो एक्सक्यूशनर्स हो रहे थे, और जब स्कैवेंजर्स थे उनको, मतलब ये जो लोग थे इनको बाहर रखा जाता था, ठीक है, विलेजेस से। सो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें स्टडी करने की कोशिश करी चंडालास के बारे में, ठीक है, बट जो जो शास्त्रों में लिखा था वो चीज़ें उनको पता चल गई थी, ठीक है। सो और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ऐसा लगता है कि जो वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से कहीं ना कहीं कॉरिस्पॉन्ड भी करती है, ठीक है। सो ऐसी जो है सोशल सोसाइटी वो डिवाइडेड थी, और दो सोशल सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारी में थी, ठीक है। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, देखो जनरेट एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जैसे मैं हमने अभी वो ऊपर पढ़ा कि महाभारत जो कि है वो पांडवाज और कौरवाज के बीच में लड़ी गई, काफ़ी लंबी लड़ाई थी, ठीक है। सो इसमें देखो गोल्ड, एलिफेंट, चैरियट, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजर, किंगडम, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। जब उन्होंने मतलब जब उन्होंने जुआ खेलना शुरू किया था उस टाइम पे उन्होंने सब कुछ हार दिया था, फाइनली उन्होंने अपनी पत्नी को भी हार दिया था, ठीक है, जब उन्होंने अपनी पत्नी को स्टेक में रख दिया था जुआ खेलते टाइम कि जो भी हम हारेंगे वो सब कुछ तुम्हारा, तो एंड में उन्होंने द्रौपदी को रखा था जो कि उनकी वाइफ थी, और वो लोग द्रौपदी को भी हार चुके थे, ठीक है। सो ये जो धर्म सूत्रा है उनके अकॉर्डिंग जो मनुस्मृति उसके अंदर लिखी गई है उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो बेटे हैं उन्हीं को जो है वो चीज़ें डिवाइड कर दी जाएगी, और सबसे बड़ा जो बेटा है उसको थोड़ा शेयर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जो वुमेन्स है उनको ये सारे क्लेम का कोई भी हक नहीं है उसके अलावा, बट जब उनकी शादी हो जाती है और जो भी उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं उनके उनके ब्रदर और उनके फादर और उनके हस्बैंड वही जो है वो रख सकती है, वही उनकी जो है वेल्थ हो होती थी। और अगर उनकी डेथ हो जाती है, लड़की की डेथ हो जाती है, सो उनकी जो चीज़ें हैं वो उनकी उनके बच्चों में चली जाएगी, ठीक है, उनके हस्बैंड में नहीं, वो उनका हक जो उनके बच्चों पे हुआ करता था, ठीक है। सो अब हस्बैंड की परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी
मतलब प्रॉपर्टी तो उनके पास नहीं हुआ करती थी, सिर्फ वही चीज़ें होती थी जो उनका हस्बैंड और उनके ब्रदर और उनके फादर उनको दिया करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे जब हमें जब हम वट का क्वीन प्रभावती गुप्ता के बारे में बात करते हैं, सो अगेन वो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनकर आती है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी वुमन थी, ठीक है। सो वो जो है दान पुण्य भी क्या करती थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिया करती थी, जो चीज़ें जनरली मैन ही कंट्रोल करते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावती गुप्ता भी जो है वो मतलब संभाला करती थी, ठीक है। सो वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, अब देखो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जेंडर का तो रेगुलेशन है ही, साथ में जो वर्ण है उनकी भी वेल्थ अलग अलग है, बिकॉज जो शूद्रा है उनका काम सर्विट्यूट है, सो अब उनके पास ज़्यादा वेल्थ होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जो ऊपर की 3 वर्ण है उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी और सबसे ज़्यादा वेल्थ होगी, उसमें से भी ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय है वो सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट मैन जो है वो यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। अब देखो जो किंग है उनके पास ऑफकोर्स वेल्थ हुआ करती थी, अब जो प्रीस्ट है वो भी अपना रिचनेस दिखाया करते थे, दिखाते थे वो कि वो हम लोग भी कितने अमीर है, और जो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणास है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर हुआ करते थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गरीब हुआ होते थे, कहीं बहुत ज़्यादा अमीर भी हुआ करते थे, ठीक है। सो बाद में धीरे धीरे जो है 6th सेंचुरी के टाइम पे जो बुद्धिज़्म है वो भी डेवलप होना शुरू हो गया था, और वो उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ जो है वो लड़ाई करना शुरू कर दी थी धर्मशास्त्र के खिलाफ, क्योंकि उनको मानना था कि ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उनका ये मानना था कि ये जो चीज़ें फिक्स कर दी गई है ये इनफ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, ना ही बिकॉज ये नेचुरल तो होती नहीं है, ठीक है। उन्होंने फिर ये इस आइडिया को भी उन्होंने रिजेक्ट करा कि जो प्रिविलेजेस है वो बर्थ के बेसिस पे होनी चाहिए, इस चीज़ के भी वो खिलाफ थे, ठीक है। अब आता है एक अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो जहाँ पे वो वेल्थ को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी मतलब अब देखो और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहाँ पे कुछ ऐसे मैन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा जेनरस हो और उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती होगी, ठीक है। क्या होता था जहाँ पे लोग जितना आदमी कोई अमीर होता था उसको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। फिर ऐसा एक एंशियंट टेक्स्ट है जिसका नाम है तमालिकम, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे जो चीफ डम्स थे आज से 2000 साल पहले, हमने पढ़ा था कि जो चीफ डम्स है वो साउथ की तरफ में होते हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके प्रेज में गाना गाया करते थे और उनको उनके इंस्क्रिप्शन भी लिखा करते थे। हुआ क्या करता था यहाँ पर कि जिन भी लोगों के पास वेल्थ है उनका काम होता था कि वो रिच और पुअर के बीच में उन चीज़ों को बांट दे, अपने रिसोर्सेज को बांटे, अपनी वेल्थ को बांटे ताकि वो हेल्प कर सके, ठीक है। और जो उनकी हेल्प किया करता था, जो अपनी वेल्थ उन पर बांट दिया करता था, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जाती थी और बाकियों को जो है मतलब बाकियों के काफ़ी खिलाफ लोग जाते थे, ठीक है। एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेज और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब बुद्धिस्ट आया सो उन्होंने एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग बना दी सोशल इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है। एक मिथ था जिसको सुत्ता पिता का बोला जाता है, जहाँ पे जो ऐसा बोला जाता था कि जो ओरिजिनली मैन है ना वो ऐसे ही मतलब बॉडीली फॉर्म में नहीं हुआ करते थे, ना ही प्लांट्स हुआ करते थे, हम लोग एक आइडियलिक स्टेट में हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम पे उनका ये भी मानना है कि हम उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसे लालची नहीं हुआ करते थे, हमें जितनी चीज़ चाहिए होती थी हम उतनी ही चीज़ खाते थे एक मील में, ना हम ये सोचते थे कि अगले मील का कि चलो वो भी तोड़ लेते हैं, बस इनको उस टाइम पर जितना चाहिए था उतना ही उस टाइम पर खाया करते थे फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल, ठीक है। बाद में उन्होंने बोला कि जैसे जैसे टाइम आता है जैसे वैसे वैसे वो वैसे वैसे जो लोग हैं वो लालची बन जाते हैं, लोग जो धोखेबाज बन जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों ने ऐसा बोला कि जब वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए और रिसोर्स ख़त्म होने लग गए, तब लोगों ने ऐसा बोला कि क्यों ना हम एक ऐसे पर्सन को बनाएं, ठीक है, जो कि इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान देगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, और बाद में हम उसको बदले में जो है हम अपना जो भी हम लोग कमाते हैं उसका थोड़ा टैक्स वगैरह जो है वो पे कर दिया करेंगे। और इसके बाद जो है किंगशिप शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है किंग का सिस्टम शुरू हुआ, किंग का कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया, बाद में जो किंग है वो उसमें भी यही सिस्टम दिखाया दिया गया कि जो बेटा है उसके बाद फादर अगर अभी राजा है तो उसके बाद बेटा बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग इनको किंग नहीं बोलते थे, यहाँ पे ये लोग इनको बोलते थे महासमंता, ठीक है, द ग्रेट इलेक्ट। इसके बाद जो है वो किंगशिप का जो है सिचुएशन वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, और ऐसी धीरे धीरे करके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है।
अब हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारता। देखो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, जहाँ पे हम आए थे महाभारता में, वैसे ही हम महाभारता में आ गए फिर से, जैसे पिछले चैप्टर में हमारे साथ हुआ था। प्रिंसिप से हमने शुरू किया था और प्रिंसिप में ही हमारे आगे ख़त्म किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब उन्होंने एग्जामिनेशन किया तब उन्हें पता चला कि जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, ठीक है। सो उन्होंने हर एक लैंग्वेज को उन्होंने कंपेयर करना शुरू करा। जो मंत्रास थे वो उन्होंने देखने शुरू किया कि जो मंत्रास है वो सेम है कि नहीं, जो स्टोरीज है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। जो मतलब जब उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि उन लोगों ने एक कंसाइज चीज़ बनाई, ठीक है, जो कि वो बनाना चाह रहे थे, ठीक है। एक क्रूशल उन्होंने महाभारत बनाया। सो उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने कंपेयर करी, पहली थी लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज कंपेयर करी। सेकंड वाज द काइंड ऑफ टेक्स्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, कि मंत्रास हैं कैसे हैं, ठीक है। थर्ड वाज द ऑथर, कि लिखता कौन है, कैसे लिखा गया, ठीक है। फोर्थ वाज द ऑडियंस, कि कौन लोग इस चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, कौन लोग इन चीज़ों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाज डेट एंड टाइम, कब ये चीज़ लिखी गई, क्या पीरियड था जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें लिखी गई। और तभी अब देखो महाभारत जो कि हमें पता है कि ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको एक उस कंटेंट को इस तरह से बार बार कंपेयर करना, फिर उसको कंपाइल करके एक टेक्स्ट बनाना कितना ज़्यादा टफ हुआ होगा, ठीक है। लैंग्वेज और कंटेंट, अब देखो महाभारत को बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो लिखा गया था, जैसे प्रशस्ति होती है, राइट। सो महाभारत की वजह से और प्रशस्ति की वजह से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजीली जो है हम लोगों को समझ आ गई, ठीक है। हिस्टोरियंस ने क्लासीफाई करा कि जो कॉन्टेंट है ना वो दो हेड में हो सकता है, ठीक है। एक वो सेक्शन जिसमें स्टोरीज वगैरह हुआ करती है, ठीक है, जिसमें नरेटिव हुआ करते हैं, उनको उन्होंने बोला डिडाक्टिक, ठीक है, डिडाक्टिक। और दूसरा जिसमें नॉलेज है, जिसमें जो अपेरेंट जो लास्ट मैसेज है वो है, उसको उन्होंने बोला कि वो चीज़ होगी, हाँ ठीक है। एक है नरेटिव और एक है डिडक्टिव। सो जहाँ पे मतलब मीन्स वाटर टाइट का डिवीजन होगा वो डिडक्टिव सेक्शन होगा, जहाँ पे स्टोरीज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब महाभारत है वो एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी है, राइट, जो कि बाद में भी ऐड कर दी गई थी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। अब इंक्रीजिंगली ये जो टेक्स्ट था ना, इनको इतिहास बोलना शुरू कर दिया। सो इतिहास क्या था, इतिहास का जो लिटरल मीनिंग है वो हुआ करता था, दस इट वॉज। सो आज हम हिस्ट्री के लिए हिंदी में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो इतिहास ही यूज़ करते हैं, बिकॉज हम हिंदी हिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि ऐसा हुआ करता था, ये चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। सो अब जो किन फोक है उसको भी प्रिजर्व किया गया नरेटिव्स में, ठीक है, बताया गया नरेटिव्स में, ठीक है। बट बेटल का जो कोरोबरेटिव एविडेंस है वो हम लोगों को नहीं मिला था। कोरोबरेटिव एविडेंस मतलब एक पक्का सबूत नहीं था हमारे पास कि हाँ किंग भोक में क्या क्या लड़ाई की गई, ठीक है। सो ऑथर्स एंड डेट्स, अब यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सूत हैं जो कि सिर्फ क्षत्रिय वॉरियर्स ही जिनको अकम्प्लिश किए जा कर सकते थे, ठीक है। जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी उस टाइम पे स्टोरीज लिखना शुरू कर दी थी, ठीक है, लोगों के बारे में, विक्ट्रीज के बारे में, अचीवमेंट्स के उस टाइम पे, ठीक है, कि क्या क्या अचीवमेंट की जाती है, वो ब्राह्मण्स ने भी लिखना उस टाइम पे शुरू कर दिया क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद एक फेज़ आता है 200 BCE से 200 CE का, जहाँ पे कंपोजिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग पर्टिकुलरली उस टाइम पे विष्णु और कृष्णा के बारे में जो है वो डिस्कस करने लग गए थे, ठीक है। सो बाद में जब इन मैनुस्क्रिप्ट को रिसेंबल किया गया तब फिर से नए टेक्स्ट आए जिसको पढ़ के हमने और हमारी हिस्ट्री को जाना, ठीक है। कन्वर्जेंस, इन द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस, देखो महाभारत एक बहुत ही ज़्यादा मेजर एपिक है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है बैटल्स के, फॉरेस्ट के, प्लेसेस के और पैलेसेस के और सेटलमेंट्स के, ठीक है। सो 1951-52 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, उन्होंने एक्सकवेट करा एक विलेज जिसका नाम है हस्तिनापुर। सो हस्तिनापुर जो है उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है। सो हस्तिनापुर का जो इन्होंने एक्सकवेट वहाँ पर करा, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मिली, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर जहाँ पे कुरु किंगडम था जो कि अपर गंगा दोब है, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें पता करी और उनको काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता चली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस। बाद में
देखा उन्होंने कि जो लिमिटेड एरिया है ना वही एक्सकवेट किया जाता है, बिकॉज ज़्यादातर जगहों पे जो है वो घर बन चुके हैं, अब जो वो टाउन्स बन चुके हैं, वहाँ पे जो एक्सकवेशन नहीं किया जा सकता है। ऐसे और इंस्टेंस हैं जहाँ पर महाभारत जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एपिसोड है, जहाँ पर द्रौपदी की शादी होती है पांडवास के साथ, सो वहाँ पर भी हमें दिखाया गया कि कैसे एक पत्नी बहुत सारे पतियों के साथ शादी करती है। सो यहाँ पे होता क्या है कि जब द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचाया जाता है और एक बहुत ही हार्ड जो है वो रखा गया था कि लाइक एक कंडीशन रखी जाती है स्वयंवर में, तो वहाँ पर जब अर्जुन ने उसको मतलब धागा लगाया था धनुष में और जब निशाना लगाया था, तो उस टाइम पे जो है वहाँ पर द्रौपदी जी उनकी हो चुकी थी, बिकॉज उन्होंने वो स्वयंवर जीत गए थे। बट जब वो घर आए और अर्जुन ने जब अपनी माँ को बताया कि देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, तो उस टाइम पे अर्जुन ने मतलब जो उनकी मदर थी यानी कि उनकी कुंती, सो कुंती ने उनको बोला कि तुम जो भी लेकर आए हो तुम पाँचों भाई आपस में बांट लो, ठीक है। तो बट वो लेकर तो द्रौपदी आई थी, तो उस टाइम पर द्रौपदी जो है वो पाँचों की पत्नी हो गई थी, ठीक है। सो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट और स्टोरीज है महाभारत आज में। सो यहाँ पे जो है पॉलिंड्रस यूनियन को अब जहाँ पे पॉलिंड्री दिखाई जा रही है कि हाँ उस टाइम पे ही देखो कि एक पत्नी जो है उसके एक से ज़्यादा पति हुआ करते थे, ठीक है। सो अब काफ़ी लोग जो है इस चीज़ के डिसफेवर में थे कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट कहीं कहीं जो है ये चीज़ें ठीक थी। जैसे ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ये चीज़ें बहुत ही अनयूजुअल और अनडिजायरेबल थी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। सो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो लोगों पर रीजन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखते हैं हम डायनामिक टेक्स्ट जो कि लास्ट यहाँ का टॉपिक है, ठीक है। सेंचुरीज में जो वर्सेस है वो चेंज होते रही, लैंग्वेजेस चेंज होती रही, डायलॉग भी बीच बीच में चेंज हो गए, स्टोरीज भी चेंज होगी, स्टोरीज नहीं चेंज हुई, मतलब जो अपेरेंट स्टोरी थी वो तो सेम रही बट उसको दिखाने का तरीका जो है वो बदल गया, ठीक है। जैसे महाभारत है सो अलग अलग जगह में महाभारत का जो है क्या महाभारत, बस ये है कि लड़ाई हुई थी भाइयों के बीच में, मतलब मेन मोटिव ये है कि हाँ कैसे लड़ाई हुई थी और कैसे श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था महाभारत में, ठीक है। सो ये चीज़ें तो सेम है बट उसको दिखाने का तरीका जो है वो समय के साथ साथ बदलता चला जा रहा है, साथ साथ में ये और कैसे आर्ट परफॉर्म करनी है, प्लेस डांस और टाइप्स की नरेशन भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है। सो यस डेट वॉज इट फॉर द वीडियो ऑन द चैप्टर, सो आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।